गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे जो कल घोषित होने वाले हैं, उस पर किसी एक आदमी की निगाह अगर सबसे अधिक है तो वह है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। रूपाणी फिलहाल गांधीनगर में अपने आधिकारिक सीएम आवास पर हैं। कल दोपहर बाद वो राजकोट जाएंगे, जब गुजरात की तस्वीर साफ हो चुकेगी कमोबेश सभी 182 विधानसभा सीटों की। हालांकि मतगणना की पूर्व संध्या पर विजय रूपाणी का ये कहना है कि बीजेपी आराम से गुजरात में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और जो विकास की राजनीति बीजेपी ने आगे बढ़ाई है उसको मतदाताओं ने अपना पूरा भरोसा दिया है और इसीलिए एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। आइए सुन लेते हैं क्या कहा विजय रूपाणी ने। मैं स्पष्ट हूं कि नतीजे भारतीय जनता पार्टी के फेवर में होंगे, सरकार बीजेपी बनाएगी, 2/3 से ज्यादा सीटें मिलेगी। जिम्मेवारी राहुल गांधी पर ना आ जाए, एक्चुअली उनकी जिम्मेवारी है। अगर यहां इधर उधर कुछ होगा तो मोदी के बारे में चर्चा आप लोग करेंगे, तो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को सेव करने के लिए ईवीएम पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। नतीजे बीजेपी के हक में आएंगे, ये दावा है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का। लेकिन रूपाणी एक बात और कह रहे हैं कि नतीजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के अभी अभी अध्यक्ष बने हैं, दोनों की पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्शन आएगा। और यह सवाल बार बार खड़ा भी हो रहा है कि अगर कांग्रेस हार जाती है गुजरात में तो फिर राहुल गांधी की जो ताजपोशी हुई है उसको लेकर कितना बड़ा धक्का लगेगा खुद राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को। लेकिन एक और मार्केट जिस पर सबकी निगाह रहती है, क्रिकेट से लेकर राजनीति तक, जी हां, सट्टा बाजार। सट्टा बाजार क्या कह रहा है इस पर भी एक रिपोर्ट देखते हैं। हालांकि सट्टा बाजार जो है वह कभी बीजेपी को बहुत सीटें दे रहा था तो कभी मेजोरिटी से सिर्फ थोड़ा अधिक। आइए निगाह डालते हैं सट्टा बाजार फिलहाल क्या कह रहा है चुनाव नतीजों को लेकर। गुजरात में किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी की होगी वापसी या कांग्रेस का खत्म होगा वनवास, क्या कहता है सट्टा बाजार? एग्जिट पोल ने गुजरात में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर दिया है, लेकिन गुजरात के दंगल पर सट्टा बाजार की भी पैनी नजर है। एग्जिट पोल के बाद सट्टा बाजार भी अपना एग्जिट पोल कर रहा है। हालांकि इसके लिए सट्टा बाजार का आधार कोई सर्वे नहीं बल्कि उनका अपना अनुमान है। गुजरात के वायदा कारोबारियों के एग्जिट पोल में बीजेपी को 115 से 125 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कारोबारी ये भी मानते हैं कि जीत भले ही बीजेपी की हो लेकिन बीजेपी के मिशन 150 में हार्दिक, जिग्नेश और अल्पेश की टिकड़ी ने पलीता जरूर लगा दिया है। मुंबई के सट्टा बाजार में बीजेपी को 102 से 104 सीटें मिलने का आंकड़ा चल रहा है, जबकि कांग्रेस को 74 से 76 सीटें मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीट जा सकती है। मुंबई के बाद अब गुजरात के सट्टा कारोबारियों की बात करें तो गुजरात के सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी को 103 से 105 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 74 से 76 सीट और अन्य को 2 से 4 सीट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी और कांग्रेस की झोली में 18 दिसंबर को कितनी सीटें आएंगी इस पर भी सट्टा लग रहा है। ज्यादातर बुकी बीजेपी को 110 सीट आने पर सट्टा लगा रहे हैं। अब बाजार और सटोरियों के अनुमान के अलावा बात करते हैं सट्टा बाजार में किस पार्टी का कितना भाव चल रहा है। बीजेपी के 110 सीट जीतने का भाव 3.40 रुपए है, यानी 1 रुपया लगाने पर 4.40 रुपए मिलेंगे, तो वहीं बीजेपी के 125 सीटें जीतने का भाव 4.50 रुपए है। वहीं बीजेपी के मिशन 150 का भाव 9 रुपए है। इसका मतलब कि ज्यादातर सटोरियों को यकीन नहीं कि बीजेपी 150 सीट हासिल कर पाएगी। सट्टा बाजार में कांग्रेस के 99 सीटें जीतने का भाव 7 रुपए है, जबकि 75 सीटें जीतने का भाव 5.20 रुपए है। सट्टा बाजार में जिस पर ज्यादा रेट लगता है उसका मतलब होता है उसकी संभावना कम है, यानी सट्टा बाजार भी मानता है कि कांग्रेस के लिए 99 सीटें हासिल करना मुश्किल है। भारत में चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतंत्र में उम्मीदवारों और पार्टियों की किस्मत का फैसला जनता को करना होता है। गुजरात की जनता ने भी अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन जनता के आदेश को जानने के लिए 18 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सट्टा बाजार और एग्जिट पोल से इतर गुजरात के सिंहासन पर उसी की ताजपोशी होगी जिसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। यानी एग्जिट पोल के बाद सट्टा बाजार भी एक ही तस्वीर बयां कर रहा है। तस्वीर ये कि गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस को फिर से नाकामयाबी मिल रही है। सट्टा बाजार के इस रुख पर हम अपने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से बात करें, उसके पहले अपने सहयोगी संतोष से बात कर लेते हैं, जो कि पिछले दो महीने से लगातार गुजरात का दौरा करते रहे, चुनाव को कवर किया, लेकिन साथ में बिजनेस को भी बखूबी समझते हैं। संतोष, ये जो सट्टा बाजार, जो करोड़ों का जिसमें सट्टा होता है, इतना कुछ स्टेक पर होता है, जिस तरीके से वह कांग्रेस की एक बार फिर से हार दिखा रहा है और बीजेपी के पक्ष में जो है बाजार चल रहा है, क्या माना जाए? क्या इन सटोरियों ने एक डिटेल्ड होमवर्क किया है? क्या यह जो सट्टे के जो भाव हैं और जो सट्टा बाजार जो सीटें दिखा रहा है, उसके एक्चुअल रिजल्ट में परिणत होने के कितने आसार दिख रहे हैं आपको? अभी तक जो जानकारी, जिस तरीके से सट्टा बाजार अगर काम करता है उसकी माने, तो जैसे जैसे लोगों का मूड स्विंग करता है, जैसे जैसे लोगों का मूड बदलता है, वैसे वैसे सट्टा बाजार का भाव भी बदलता है। और जो फाइनल सट्टा बाजार का भाव तय हुआ, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को सट्टा बाजार 150 के आसपास की सीटें दे रही है। जहां भाव सबसे कम है वो जगह 110 के आसपास है, तो ऐसी जगह पर सट्टा बाजार ने सबसे कम रेट दिया है। सबसे कम रेट उसी जगह पर दिया जाता है जहां की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जब 110 के आसपास की जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर सत्ता बाजार ने सबसे ज्यादा दांव लगाया है। वहीं अगर आप 150 की बात करें, तो जिस तरीके से 9 रुपए का भाव है, इसका मतलब है कि असंभव है वो चीजें। तो इसलिए सट्टा बाजार ने वहां पर बहुत ज्यादा भाव है। तो उसकी बात सुनी मनीष भाई आपने, एग्जिट पोल जो लोग करते हैं उसके बाद से ये सटोरिए भी आपकी पार्टी से नाराज है, क्या कारण है इसका? सट्टा बाजार भी यहां पर दांव लगाने को तैयार नहीं है? दो चीज मैं आपके सामने जी माध्यम से रखना चाहता हूं। एक तो आपने एग्जिट पोल वाली बात बताई और दूसरा ये सट्टा बाजार वाली, दोनों में पर्दे के पीछे खिलाड़ी है जो मैनिपुलेटर है। बड़े बड़े दाव खेलने वाले लोगों ने करोड़ों रुपया बटोर लिया। आपने शेयर बाजार एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। संतोष जी, मेरी बात से बिजनेस से भी जुड़े हुए कई बड़े अच्छे पत्रकारिता में जुड़े हुए, इसको भी पता होगा कि एक बहुत बड़ा दो दिन का गफला था जब एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल के दिन आपने देखा होगा, दूसरे दिन में शेयर बाजार में उथल पाथल किस तरीके से निफ्टी की हुई। मेरा जो सोर्स है, ये कोई मैं हकीकत के तौर पे मैं कहीं शेयर बाजार से भी जुड़ा नहीं हूँ, सट्टा बाजार से भी मेरे कोई लेना देना नहीं, पर मेरे पास जो कारोबारियों ने बात की है, ये बात इसलिए कि दर्शकों को भी पता चले कि पर्दे के पीछे करोड़ों रुपया की हेरफेरी करने वाले, गफलेबाजी करने वाले एक बहुत बड़ा इंसान है। सीधे सीधे आरोप लगा रही है, नहीं एक खेल हुआ है, मैंने किसी पे नहीं लगाया। मैंने ब्रजेश भाई मैंने सब बोला, शेयर बाजार का निफ्टी का एक खेल है, निफ्टी का खेल एक बहुत बड़ा लोग ने खेला है, बहुत बड़ी पोजिशन वाला लोग ने खेला है। मेरे को एक शेयर बाजार का बहुत बड़े, लेकिन ये बताइए कि सटोरियों को क्यों जो है गलत सट्टा लगाएंगे? अगर लगाएंगे नहीं, एक खेल है, एक खेल है, आप समझ लीजिए। बिहार में खेल कैसा हुआ था आपको भी पता है, आपकी चैनल से लेके सभी ने ये बताया था। देवू सिंह जी मैं कल भी बोलूंगा, सट्टा बाजार 150 सीटें देने के लिए आप लोगों को तैयार नहीं है। देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि 150 प्लस का टारगेट अचीवेबल है, लेकिन वो सट्टा बाजार उसको न कंफर्म कर रहा है और न ही एग्जिट पोल। देखिए, सट्टा बाजार का अनुमान ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सब बुद्धिजीवी लोग होते हैं, क्योंकि ये आमतौर पे अपना पैसा जहां लगाते हैं वह सोच समझ कर लगाते हैं। उनको पता है, आपने जो शंका पैदा की है कि 150 नहीं आ रही, देखिए आज भी मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 150 को पार करके हमारा ये रुझान कल आप पाएंगे। और भाई, हमारे दोस्त ने जो बताया कि हम पर्दे के पीछे कर रहे हैं, देखिए आज उनकी है देह, मैंने ऐसा नहीं बोला, आज मैंने ऐसा नहीं बोला, आज मैंने तो वहां कोई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे खेल हो रहा है, पर्दे के पीछे कौन नहीं, ये बड़े निराश है, हताश है। नहीं नहीं नहीं, आज वो चाहे जितना भी बोले हम सहन करेंगे, क्योंकि हमारे दोस्त है, क्योंकि कल तो उनको चांस मिलने वाला नहीं है। कल उनको यही बोलेंगे कि कल ईवीएम खराब था, कल इसीलिए जो आप लोग तमाम कल ईवीएम खराब था, चाहे नहीं चाहे नहीं, उनका हताशा नहीं। देवूसी हमारा भी दोस्त है और बहुत सांसद के रूप में भी हमारे दोस्त है। देवूसी व्यक्तिगत तौर पे भी, वो इंजीनियर भी है, प्रोफेशन की वजह से भी है दोस्त, पर साथ साथ में ये मैं इसका भाजपा का जो अहंकार, कल बोलने नहीं दिया जाएगा, नहीं कल ये बोल नहीं सकेंगे, ये मुझे लगता है लोकतंत्र की में नहीं है। देखिए, दूसरी बात में एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आप बोले,
नहीं, एक बहुत अच्छी बात है जो जी दर्शकों के साथ पहुंचनी चाहिए। मैंने कहा, हमारा दोस्त ने बोला कि बुद्धिजीवी लोग हैं, सट्टा बाजार के लोग बुद्धिजीवी नहीं, जुगारी लोग हैं। हाँ, शेयर बाजार वाले लोग चाहिए, देखिए ये बुद्धि, वो खोल खेलते हैं, ये कोई श्रमजीवी लोग नहीं होते, देखिए ये कोई श्रमजीवी, मेहनत का लोग नहीं, श्रमजीवी लोग नहीं होते, ये अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी, ये कोई मेहनत, ये श्रमजीवी लोग नहीं होते, सट्टा बाजार वाले लोग बुद्धिजीवी होते हैं। मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं, क्योंकि वो मेहनत का श्लोक नहीं होते, नहीं, वो जितनी मेहनत लोगों को जन सेवा के लिए उनकी हताशा यहाँ तक एक दिया है, कल मेहनत ये सट्टा बाजार और छह बाजार का खेल का सिलसिला चला, तो कांग्रेस की तरफ से अगर एक किसी शख्स ने सबसे अधिक मेहनत की तो वह राहुल गांधी थे। जब वो कैंपेन चला रहे थे तो पार्टी के उपाध्यक्ष थे और कैंपेन प्रोसेस पूरा होते होते वह पार्टी के अध्यक्ष बन बैठे। सबसे खास बात रही कि राहुल गांधी इस बार के चुनाव में गुजरात में तमाम मंदिरों में गए एक के बाद एक। मंदिर की पॉलिटिक्स गुजरात से बहुत करीब से जुड़ी है। ध्यान होगा कि सोमनाथ मंदिर से आडवाणी ने मशहूर राम रथ यात्रा शुरू की थी, लेकिन क्यों, क्या फल पाएगी बीजेपी के सामने कांग्रेस की ये नई मंदिर पॉलिटिक्स? आइए देखते हैं एक रिपोर्ट कि आखिर किसने किन किन मंदिरों के चक्कर लगाए और क्या हुई उस समय बात। गुजरात में चुनावी प्रचार में जितनी अहम भूमिका रैलियों ने निभाई है, उससे कहीं ज्यादा असर दिखा मंदिर दर्शन में। पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक मंदिरों के दर्शन कर वोट बटोरने के मुकाबले में एक दूसरे को टक्कर देते नजर आए। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिरों के चक्कर लगाते रहे। राहुल गांधी ने 27 मंदिरों में दर्शन किए। श्री रणछोड़ जी मंदिर, मुगल धाम बावला मंदिर, द्वारकाधीश, कागढ़ में खोडल धाम, नाडियाड के संतराम मंदिर, पावागढ़ महाकाली, नवसारी में उनाई माँ के मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, बहुचराजी के मंदिर, कबीर मंदिर, चोटिला देवी मंदिर, दासी जीवन मंदिर, राजकोट के जलाराम मंदिर, वलसाड़ के कृष्णा मंदिर, शंकेश्वर जैन मंदिर, वीर मेघमाया, सोमनाथ मंदिर। वहीं पीएम मोदी मंदिर दर्शन के मामले में राहुल गांधी से पीछे नजर आए। पीएम मोदी 2 महीनों में 5 मंदिरों में गए। 12 दिसंबर को बनासकांठा के अंबाजी मंदिर, 27 नवंबर को कच्छ के आशापूर्णा माता मंदिर, 2 नवंबर को गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर, 7 अक्टूबर को वडनगर के हटकेश्वर मंदिर, 7 अक्टूबर को ही द्वारकाधीश मंदिर। गुजरात विधानसभा की 80 से 100 सीटों पर मंदिरों का असर देखा जाता है, इसीलिए इन मंदिरों में बड़े बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है। यही वजह है कि पिछले 22 साल से सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने अपने कैंपेन में मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे जाकर वनवास खत्म करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल के सोमनाथ मंदिर जाने को लेकर जो एक विवाद हुआ, उसके बाद से कांग्रेस ने उन्हें कहा कि राहुल सबसे बड़े शिव भक्तों में से एक हैं। ध्यान रहे कि राहुल उसके बाद भी तमाम मंदिरों में गए। जहां तक कैंपेन के आखिरी दिन का सवाल है, 12 तारीख को एक तरफ राहुल जहां अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर गए, वहीं नरेंद्र मोदी जो है वह शक्तिपीठ जो अंबाजी है वहां उन्होंने दौरा किया। मनीष भाई, आपसे जानना चाहता हूं, इस बार कांग्रेस ने मोटे तौर पर सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ली और आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने लगातार एक के बाद एक मंदिरों का दौरा किया। नॉर्मली कोई अल्पसंख्यक चेहरा सामने दिखा नहीं साथ में। क्या ये जो एक नए किस्म की पॉलिटिक्स थी, वो भी उस जगह पे, उस गुजरात में जो कि बीजेपी की लेबोरेटरी, संघ की लेबोरेटरी और जो हिंदुत्व का जो आइकन जो बीजेपी के साथ जुड़ा है उसको चैलेंज करने की रणनीति थी, लेकिन ये कामयाब नहीं हो रही है ऐसा? कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष सन्मानीय राहुल जी ने अपने खुद बयान में कहा है कि धर्म हमारे लिए निजी बाबत है, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, हम इसको व्यापार और वोट बटोरने के लिए नहीं कर रहे। हमने जहाँ तक सवाल है, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। हाँ, ये निश्चित तौर पे है कि मंदिर मंदिर जाने से, द्वारकाधीश के मंदिर से शुरू हुई हमारी नवसर्जन यात्रा के माध्यम से, द्वारकाधीश के सुप्रतिष्ठित है, वहाँ से हम शुरू किया, द्वारकाधीश में शीश झुकाया,
वही दिन से, चाहे चोटीला मंदिर हो, हर जगह पे गए, तो भाजपा के पेट में इतना दर्द हो गया कि ये मंदिर की हमारी जो कोर आईपी है, अगर क्यों क्यों दर्द हुआ, ये मंदिर जाने का क्या, मंदिर नहीं जा सकते, ये मंदिर की भी मोनोपोली भाजपा की है, सब जगह पे जाते क्यों, मतलब आप लोग राहुल गांधी की शिव निष्ठा पर आप लोग क्यों सवाल, हम जानते हैं कैसी डर लगा। देखिए इस देश में कोई मंदिर जाए हमें कोई बल्कि हम तो खुशी होती है कि कोई हमारे कारण मंदिर जा रहा है। देखिए इस देश में एक परंपरा रही है कि जब भी कोई अध्यक्ष पद का या कोई बड़ी जिम्मेदारी पे जाता है तो लोग अपनी माँ का चरण छूते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं। आज अध्यक्ष बनने के बाद एक भी मंदिर राहुल गांधी नहीं गए, और ये राहुल गांधी मंदिर इसलिए गुजरात में गए कि 2014 में जब उनकी 44 सीट हो गई तो उनकी एक कमेटी बैठी थी कांग्रेस की सीनियर लीडर की, उनमें आत्मचिंतन हुआ और उन्होंने ये बताया कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चलते हमारे से हिंदू बहुमत दूर होते जा रहा है, केवल मत के कारण, केवल वोट की राजनीति के लिए वो मंदिर गए हैं, एक दम किया, दिल से मंदिर नहीं गए, केवल वोट की राजनीति के लिए मंदिर गए। गुजरात की जनता ये सब समझती है, मंदिर के नाम पे किसने क्या किया, कौन सी शिला कैसे भावना भड़काई, वो किस तरह के व्यापार किया, वो सब पूरे देश ने देखा। रही बात हमारी, जहां तक सवाल है, मैं तो इतना कहता हूं भाई इतना दर्द क्यों, बेचैन क्यों हो गए, द्वारका दिस गए साहब पहुंच गए, द्वारका उस मंदिर गए, चामुंडाबाद आ गए साहब पहुंच गए, साहब की सेहत सोमनाथ मंदिर का जिम्मेदार हुआ था जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र बाबू को रोका गया था कि आप नहीं जा सकते, ये गलत है, ये पुरानी बात है, और इतिहास में बड़ो एविडेंस, इतिहास में बड़ो गलत बात है, एविडेंस में बताओ गलत है, बाकी हमारे पास एविडेंस है, राहुल को भगाने के लिए जाहिर है राजेंद्र बाबू का कहना था कि आप नहीं कर सुबह पहली बार कोई गांधी परिवार का गया, लेकिन हमारी विशेष पेशकश जो है वह कल सुबह 6 बजे से लगातार यहाँ अहमदाबाद से जारी रहेगी, नोएडा हमारे मुख्यालय से जारी रहेगी, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, कल सुबह 6 बजे से लगातार हमारे खास कार्यक्रम, हमारी खास पेशकश पीएम के राज्य में सीएम कौन। फिलहाल अहमदाबाद से इतना ही, लगातार देखते रहिए जी हिंदुस्तान पर खबरें।